आखिरकार इस नए हफ्ते में मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस के घर के बाहर जाने के लिए किसे नॉमिनेट कर दिया है? जी हाँ, नॉमिनेशन का टास्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नए हफ्ते में नए कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि मुनव्वर ने किसे नॉमिनेट किया है, मुनव्वर ने बिग बॉस को किसका नाम दिया है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है और नए हफ्ते में बिग बॉस ने नया नॉमिनेशन का टास्क भी करवाया, जिसमें जब बारी आई मुनव्वर फारूकी की तो हर कोई देखने लगा कि अब मुनव्वर किसे नॉमिनेट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुनव्वर ने एक नहीं बल्कि दो दो कंटेस्टेंट को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है, जिसमें पहला नाम है नील भट्ट का। जी हाँ, मुनव्वर का कहना है कि नील भट्ट बिग बॉस के घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, ना तो वो किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, ना वो किसी मुद्दे में बोलते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो है। ये बड़ी बात मुनव्वर ने नील भट्ट को नॉमिनेट करते वक्त कही। और दूसरा कंटेस्टेंट है नील भट्ट की ही वाइफ यानी ऐश्वर्या शर्मा। जी हाँ, मुनव्वर ने ऐश्वर्या शर्मा को भी नॉमिनेट कर दिया है बिग बॉस के घर से बाहर जाने के लिए। तो आपको यहाँ बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर आते ही मुनव्वर फारूकी ने यह कहा था कि मुझे शो में सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट नील भट्ट ही लगा है। तो अभी तक मुनव्वर वो भोले नहीं हैं और अभी भी उन्होंने इन दोनों को ही घर से बेघर होने के लिए पूरी तरह से नॉमिनेट कर दिया है। ऐसे में आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बिग बॉस सीजन 17 से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।